प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सितंबर मंथ का मंथली एग्जाम यानी कि सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आए हैं। और आपको मैं पहले ही बता दूँ, इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताऊँगा, साथ में PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, तो देख सकते हो ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, विषय कोड आपका जो है 117 रहेगा। टाइम इसमें 1 घंटा 30 मिनट का आपको मिलेगा। टोटल जो है 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो आपका पेपर वो सारा मैं डालने वाला हूँ, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारा का। तो आप कमेंट मेरे को करना, मैं बिल्कुल डालूंगा। सब्सक्राइब करके बस रखना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो पूछा गया प्रश्न इसमें सेशन ए में जो बोला, इसमें बोला गया कि 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपको कितनी 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये बोला जा रहा है कि भौतिकी को माना क्या जाता है। तो भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है। तो पहला का सही नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 नंबर आप लोगों से बोला गया कि वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का अंतिम चरण क्या है। तो याद रखिएगा, परीक्षण परिणाम का विश्लेषण, यानी कि 2 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, तो बोला गया कि प्रायोगिक भौतिकी के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, गैलीलियो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर के, न्यूटन के गति का प्रथम नियम वर्णित करता है, कौन करता है। तो ये जड़त्व की गति करता है। तो राइट आंसर बिल्कुल ही डी नंबर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बात कर ली क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइएगा एक्सरे की खोज किसने किया। तो याद रखना है, एक्सरे की खोज जो है ना रोयन जेटेन किया था। तो राइट आंसर बिल्कुल ही डी नंबर करेक्ट होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो बोला गया कि निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल्ल कौन सा है। तो 6 नंबर का याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 7 नंबर है, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिकी, क्योंकि अभी आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है 7 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि बताइएगा भौतिक राशि हुआ है जो क्या मापती है। तो देखिए, भौतिक राशि हुआ है जो मापी नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो बोला गया निम्न में से कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर तो भौतिक राशि का नाम नहीं है, किलोग्राम नहीं होगा, ठीक है ना। और कौन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा घनत्व, ऊर्जा, आवेश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर करेक्ट होगा, याद रखना है आप लोगों को। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है आप लोगों से, बताइए इकाई की कौन सी प्रणाली है। तो याद रखिएगा, ये जगह FPS सिस्टम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 11 की, तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन पूरक इकाई है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ठोस कौन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, ठोस कौन की इकाई क्या है। तो याद रखना है जो ना एस्टेरेडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है। तो याद रखिएगा, मूल राशि एक तो हो जाता है लंबाई, द्रव्यमान और समय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग प्यारे बच्चों। तो अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, राइट आंसर जो बोला जा रहा है ना यहाँ पर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, आप 14 नंबर की, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं। तो लगभग 3 आधारी मात्रक होता है। तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किस प्रकार का। तो ये तुलना करने की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि जो नहीं होगा ये वल, यानी फॉल्स नहीं होगा। तो बिल्कुल ही 16 का बी नंबर आप लोगों को याद कर लेना। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन होगा। तो रेडियन होगा, और राइट आंसर बी नंबर आप लोगों को नोट करना है, क्वेश्चन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 17 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है किसके द्वारा, तो हटर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला कि 19 नंबर की किस भौतिक राशि को जो है ना प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो याद रखिएगा दूरी को, डिस्टेंस को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 20 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया कि बताइए एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसका विमीय सूत्र की अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो है प्रत्यास्थता गुणनांक का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर वो जो आगे मैं कंटिन्यू आपको इसी वीडियो में आंसर बताऊंगा, उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, आंसर की वगैरह कहाँ मिलेगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके जो है ना सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर आप जाकर के आराम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। आंसर की करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके जो है ना सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्ठू ने स्टडी सेंटर, तो आप लोग आराम से आइए और मिट्ठू ने स्टडी सेंटर यहाँ पर सर्च कर लीजिए। तो मिट्ठू ने स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस बन होगा। आपको गूगल में आना है, मिट्ठू ने स्टडी सेंटर सर्च करना है, फिर थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में देखिएगा आपके सामने मिट्ठू ने स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस बन होगा। इसको मैं जो ना एक बार डेस्कटॉप मोड से हटा लेता हूँ। देखिए आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। आप लोग नीचे आएंगे तो क्लास जो है 11th का सेशन आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आइएगा। तो ये रहा क्लास 11th का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 11 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड यहाँ पर लिखा है। तो ये फर्स्ट वाला पर आप लोगों को पेपर डाउनलोड करना है तो क्लिक करना है। अगर रूटीन वगैरह देखना है तो नीचे बराबर कर सकते हो, बट रूटीन नहीं अब करना है ना फिलहाल, आपको करना है पेपर, तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करो। क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आते ही पेज को रिफ्रेश वगैरह कर लेना, क्योंकि आपको पहले से पता है हर वीडियो में बोलता हूँ रिफ्रेश करने, रिफ्रेश बस पेज को नीचे की ओर खींचना होता है, इससे रिफ्रेश हो जाएगा ना तो आप ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की मिलेगा। तो आना है नीचे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नाउ लिखा है, इस पर भी क्लिक करके आप कर सकते हो डाउनलोड। फिलहाल हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर लिखा मिल जाएगा क्लास 11th साइंस सेप्टेम्बर मंथ एग्जाम, यानी कि साइंस आप लोगों का सब्जेक्ट है ना 12th में, तो साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मिलेगा। देख सकते हो इधर पेपर का नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, जो भी सब्जेक्ट चाहिए कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना आपके सामने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो हिंदी, उर्दू, एग्रीकल्चर, मतलब सारा है। और आर्ट्स वाले बच्चे अपना नीचे आकर के कर सकते हैं डाउनलोड यहाँ से, बट इसका भी वीडियो आएगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। और कॉमर्स वाले बच्चे का भी आएगा, यहाँ पर आप लोग आकर के फिलहाल डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो ला रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करके तैयार रहना। फिलहाल हम लोग करते हैं फिजिक्स का डाउनलोड। फिजिक्स देखिए यहाँ पर आएंगे, फिजिक्स लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ भी आते ही पेज को आपको जरूर रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। चलिए बिना डेली करते आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव लिखा है ना, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दो नंबर जो भी क्वेश्चन का हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में आंसर के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको आना पेज को रिफ्रेश करके चेकआउट करना, यहाँ पर मिल जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आप केमिस्ट्री का, मैथ का, सबका यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक जो है ना है लेकिन बीमा नहीं है, तो मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है ये पूछा, तो याद रखिएगा घनत्व का, यानी कि डेंसिटी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन है एम एल पर पावर -t का वो निरूपित नहीं करेगा, तो ये वल नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ जो है ना इंटेरिया, यानी ऑप्शन नंबर कह सकते हो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 24 की, तो बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइएगा गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा हो सकता है, तो ये हो जाएगा सरल रेखीय गति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 25 की, तो वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है विस्थापन दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइएगा एक वस्तु
16 मीटर दूरी दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, तो बताइए बस टू की चाल क्या होगी। तो बस टू की चाल 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 25-27 की, तो कौन सा समीकरण वेग तथा समय को संबंध बनाता है, तो ये होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लें 28 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया औसत का वेग कैसे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा ये क्या जाता है ना प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, सॉरी डी नंबर करेक्ट होगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो त्वरण का सीजीएस से एम के एस का मात्रक अनुपात क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1:1100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गतिमान वस्तु का विराम स्थिति में आ जाए तो गति का जड़त्व क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव में देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन वगैरह बोला गया है ना खंड अ में ब में जो बोला, इसमें 10 क्वेश्चन आपको 5% का जवाब देना है, 10 नंबर के लिए होगा, टोटल 2 मार्क्स वाले के क्वेश्चन है ना। तो इन सभी का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आऊँगा, साथ में जहाँ से डाउनलोड करें तो वहाँ से कर लो जाकर के बिल्कुल, ठीक है ना। सब्सक्राइब बस कर लो, आपको सारा चीज़ मिलते रहेगा नोटिफिकेशन। देखो पहला क्वेश्चन की भौतिकी का समाज से क्या संबंध है, दूसरा की वैज्ञानिक विधि से क्या समझ, तीसरा है कि ऐसा मात्रक से क्या लाभ है, चौथा है कि मूल मात्रक से क्या समझते हैं, और पांचवा है कि बीम या सूत्र को परिभाषित करें, बीम या विश्लेषण का उपयोग करें। आगे बढ़ेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बीम या विश्लेषण का उपयोग कर जो है ना 10 न्यूरन को जो है ना डायन में बदले, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, 8 नंबर की गति के कितने नियम है, और 9 नंबर की संदर्भ के फ्रेम को परिभाषित करें। इसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात हम लोग कर ले, तो यहाँ पर देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में 11 से 15 तक क्वेश्चन है, आपको 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है, 15 मिनट होगा क्योंकि 5 मिनट का क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भौतिकी में माप का क्या महत्व, व्याख्या करें, दूसरा नंबर है कि भौतिकी प्रौद्योगिकी किस प्रकार से संबंधित है, और ये सारा क्वेश्चन तो मिलते हैं प्यार बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के साथ, जाकर के गूगल से आप लोग फिलहाल से डाउनलोड करिए। तब तक के लिए बाय बाय।